नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर सुअर्ड बाय ब्रॉड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बायोग्राफी एंड फेमस वर्क्स ऑफ तोरुदत्त। तोरुदत्त का नेम आप में से बहुत से व्यूअर्स ने सुना होगा, जिनके लिखे कुछ खास वर्क्स जैसे कि द लॉटस, सीता और कैदरीना ट्री आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। और इनका लिखा हुआ वर्क्स द लॉटस तो आपको 10th क्लास की बुक के अंदर भी मिल जाएगा। और रही बात इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हो या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आप पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, सबसे पहला खास पॉइंट तो ये होता है कि जिसकी भी बायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, आखिर में वो था कौन, मतलब कि उसको किसके लिए जाना जाता है, वो क्या था। तो अगर मैं बात करूँ तोरुदत्त की, तो तोरुदत्त वॉज ए बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोइट हु रॉट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। मतलब कि दोस्तों, जो तोरुदत्त थी वो एक ट्रांसलेटर थी। ट्रांसलेटर मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे वर्क उसी वर्क को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती थी। ये फ्रेंच में लिखी हुई पोइम्स को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करती थी, और ये खुद भी कुछ पोइम लिखती थी, तो ये खुद पोइट भी थी, और ज़्यादातर ये लिखती थी इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर। देखिए, इनको ये बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो इनको बंगाली भी आती थी और संस्कृत भी इनको आती थी। बट ज़्यादातर इन्होंने जो वर्क अपना लिखा, पोएम वगैरह जो लिखी, वो लिखी इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर। अब मैं अगर बात करूँ इनके जन्म की, बर्थ की, तो इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को, 4 मार्च 1856 को। कहाँ हुआ था, तो इनका जो एड्रेस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम, वो था 12 मणिकोटाला स्ट्रीट, राम बगान, कोलकाता, बंगाल। कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था, तभी तो ये बंगाली ट्रांसलेटर थी, इनको बंगाली आती थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इनकी डेथ की, तो डेथ इनकी भाई बहुत ही कम एज के अंदर, ओनली 21 साल की उम्र के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। 21 साल बहुत कम एज होती है। अब अगर हम आज के टाइम में देखें तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते, हम तो फ़ोन से बाहर ही निकल पाते। तो इन्होंने उस टाइम बहुत से खास वर्क लिख दिए, इनका नेम आ गया लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो इनका डेथ हुई थी 30 अगस्त 1877, एज 21, वहीं पे हुई थी, कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर, और ब्रिटिश इंडिया का टाइम था। और दोस्तों, इनको जो दफनाया गया था, मतलब कि इनका जो रेस्टिंग प्लेस था, रेस्टिंग प्लेस होता है जहाँ पर किसी को भी दफनाया वगैरह जाता है, या फिर बरी किया जाता है, मतलब कि आग वगैरह लगाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वो था मणिकोटाला क्रिश्चियन क्रेमेटरी कोलकाता, मतलब कि जहाँ पर ये रहते थे, तो वहीं पर इनका ये अंतिम संस्कार वगैरह किया गया था। दोस्तों, अब मैं अगर बात करूँ तोरुदत्त की फैमिली के बारे में, तो इनके फादर का नेम था गोविंद चंद्र दत्त। इनके फादर खुद एक राइटर थे, खुद लिखते भी थे, और इनकी जो मदर थी जिनका नेम था केशेत्रा मुनि दत्त, ये भी एक ट्रांसलेटर थी, मतलब कि थोड़ा बहुत ये भी ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश वर्क को लिटरेचर के अंदर। और इनके जो तोरुदत्त के जो ग्रैंड फादर थी, तोरुदत्त ग्रैंड फादर जिनका नेम था रोसाम्य दत्त, और इनके पिताजी, मतलब कि तोरुदत्त के पिताजी गोविंद चंद्र दत्त, दोनों ही उस टाइम गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनके अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, मतलब कि काम करते थे। तोरुदत्त ग्रैंड फादर रोसाम्य दत्त एंड हर फादर बोथ हैड इम्पोर्टेंट पोजीशंस अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इनके जो कज़न जो थे रोमेश चंद्र दत्त वॉज ऑल्सो ए राइटर एंड इंडियन सिविल सर्वेंट। मतलब कि जो तोरुदत्त के जो कज़न थे जिनका नेम था रोमेश चंद्र दत्त, शायद दोस्तों आपने इनका नेम सुना होगा, क्योंकि इन्होंने रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया था संस्कृत से इंग्लिश के अंदर, इन्होंने कन्वर्ट किया था। इनका भी काफ़ी नेम है, इनकी भी हम एक दिन बायोग्राफी डिस्कस करेंगे रोमेश चंद्र दत्त की। तो ये कज़न थे, तोरुदत्त के कज़न थे, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी सारी फैमिली कहीं ना कहीं लिटरेचर से जुड़ी हुई है,
कुछ ना कुछ लिखती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इनके फादर की, पहले इनकी फैमिली क्रिश्चियन नहीं थी, इनके फादर ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था 1862 के अंदर, 1862 के अंदर, और उस टाइम तोरू दत्त ओनली 6 ईयर ओल्ड थी, 6 साल की थी, ठीक है। दोस्तों तोरू दत्त की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे छोटी लड़की थी, ये 3 भाई बहन थे, इनकी सबसे बड़ी तो एक लड़की इनकी बहन थी जिनका जिसका नेम था अरु, और अरु की अगर मैं बात करूं तो अरु की डेथ हो गई थी 1872 में, 20 साल की एज की थी, तो उसकी भी डेथ हुई थी, वो भी टीवी के कारण, ठीक है। और इनका जो इसका जो भाई था दूसरे नंबर पे अबजू, अबजू की भी डेथ हो गई थी 1865 में, 1865 के अंदर, वो 14 साल का था, और उसकी भी डेथ टीवी के कारण ही हुई थी। और तोरू दत्त की डेथ भी मैंने आपको बताया कि इनकी डेथ भी टीवी के कारण हुई, तो आप इन ये पॉइंट याद रखने वाले होते हैं कि इनकी डेथ कब हुई। इनकी भाई की डेथ 14 साल में, और इनकी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी उनकी 20 में, और तोरू दत्त की डेथ हुई 21 साल की उम्र में। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तोरू दत्त की एजुकेशन की, तो इनको जो एजुकेटेड किया गया था वो इनके फादर के द्वारा, और एक इंडियन क्रिश्चियन ट्यूटर थे जिनका नेम था बाबू शिव चंद्र बनर्जी, उनसे इन्होंने स्टडी ली, और इन्होंने फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत को सीखा। और दोस्तों जब इन्होंने ये ट्यूटर के द्वारा पढ़ रही थी, क्रिश्चियन जो ट्यूटर थे, तो इन्हीं के द्वारा इन्होंने पढ़ा जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन की जो इनका जॉन मिल्टन का नेम आपने सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इनका जो वर्क है सबसे फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सब कुछ जो बताया गया वो क्रिश्चियन जो धर्म है उसके बारे में बताया गया है, उसको तोरू दत्त ने बड़े दिल से पढ़ा, ठीक है। और ये अपनी मदर से भी कुछ इंडियन की जो प्राचीन कहानियाँ थी उनको सुना करती थी। तोरू दत्त वॉज एजुकेटेड एट होम बाय हर फादर एंड बाय द इंडियन क्रिश्चियन ट्यूटर बाबू शिव चंद्र बनर्जी, लर्निंग फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड एवेंचुअली संस्कृत। शी लर्न्ड जॉन मिल्टन एपिक पोइम क्रिश्चियन एलोगोरी पैराडाइज लॉस्ट बाय हर्ट। शी ऑल्सो लर्न्ड स्टोरीज ऑफ एंशाइंट इंडिया फ्रॉम हर मदर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन जो तोरू दत्त के सिस्टर और ब्रदर थे इनका जिक्र आपको मिलेगा इनकी जो खास पोइम है ओवर कैदरेना ट्री, उसके अंदर इसने बताया है कि वो बचपन में कैसे अपने भाई और बहन के साथ में खेला करती थी। बहुत ही अच्छी है वो वर्क, हम आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों यही फ़ायदा होता है किसी भी पोइट ऑथर या फिर राइटर की बायोग्राफी पढ़ने का, क्योंकि उनके वर्क के अंदर आपको बहुत से उनकी लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सी इंस्पिरेशंस आपको मिलती है, मतलब कि आपको नॉलेज मिलती है, आप मोटिवेट होते हो उनकी पर्सनल लाइफ से। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये याद रख लेना कि तोरू दत्त ने सबसे पहले किस इंग्लिश लिटरेचर पोइट को पढ़ा और उनके कौन से वर्क को पढ़ा, तो आपका आंसर रहेगा जॉन मिल्टन और उनका एपिक पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है लाइफ इन यूरोप, मतलब कि तोरू दत्त यूरोप के अंदर कब गई और कब वापस आई। देखिए दोस्तों शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था कि तोरू दत्त के फादर और ग्रैंडफादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, ब्रिटिशर थे उनके, तो इनको यूरोप जाने का मौका आसानी से मिल गया, वहाँ से आना जाना होता रहता था, तो इनको पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेजा गया, अब इनकी सिस्टर के साथ में, अरु के साथ में। और ये 1869 के अंदर यूरोप के अंदर गई थी, और तब ये 13 साल की थी, और इन्होंने वहाँ पे 4 साल स्पेंड किए, वहाँ पे स्टडी वगैरह की, 1 साल तो इन्होंने फ्रांस के अंदर स्पेंड किया, और 3 साल इन्होंने स्पेंड किए इंग्लैंड के अंदर, इसके अलावा ये जर्मनी और इटली भी इन्होंने विजिट की। और दोस्तों अब 1869 में ये गई थी तो 4 साल इन्होंने स्पेंड किए, तो 1873 के अंदर ये वापस आ गई यूरोप के अंदर, इन्होंने कैम्ब्रिज के अंदर वहाँ कुछ स्टडी वगैरह की थी। दोस्तों अब बात करते हैं तोरू दत्त के कुछ वर्क के बारे में,
किस टाइम पे वो पब्लिश हुए, ठीक है। तो इनका पहला वर्क जो पब्लिश हुआ था, पहली बुक जो इनकी पब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1876 के अंदर, 1876 के अंदर, और जिसका नेम था ए शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड। दोस्तों इस बुक को पब्लिश किया गया था साप्ताहिक संवाद प्रेस के द्वारा 1876 में। और मैं अगर बात करूं इस वर्क की, तो इसके अंदर बुक के अंदर क्या कुछ है, इस बुक के अंदर 165 पोइम्स हैं, जिनको ज़्यादातर तो फ्रेंच से ट्रांसलेट हुई पोइम्स हैं, जो कि तोरुदत्त के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। और इसी के अंदर तोरुदत्त की एक खुद की पोइम थी जो तोरुदत्त ने खुद लिखी थी, जिसका नेम था ए मौन पीर। और 8 पोइम्स इसके अंदर ट्रांसलेट की गई थी तोरुदत्त की सिस्टर अरु के द्वारा। और दोस्तों इस वर्क के 3 एडिक्शन थे। पहला एडिक्शन तो मैंने बता ही दिया, 1876 के अंदर आया। दूसरा एडिक्शन इसका आया था 1878 के अंदर, मतलब कि तोरुदत्त की डेथ के बाद में। और थर्ड एडिक्शन इसका आया था 1880 के अंदर। फर्स्ट एडिक्शन में तो इसको खास पहचान नहीं मिली, बट डेथ के बाद में जब दूसरा एडिक्शन आया तो लोगों ने थोड़ा सा तोरुदत्त को जाना कि हाँ ये कुछ खास लिखती थी, इनकी थोड़ी सी पहचान, इनकी वैल्यू बढ़ गई। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तोरुदत्त की सेकंड बुक की, तो वो एक नॉवल था। बेसिकली तोरुदत्त ने 2 ही नॉवल लिखे थे, ओनली 2 नॉवल्स इनके पब्लिश हुए थे, और ये इनका पहला नॉवल था। दूसरा नॉवल इनका इसके बाद में जो स्लाइड आएगी उसके अंदर बताऊँगा। इस नॉवल का नेम था बियंका और द स्पेनिश मीडेन, ये एक नॉवल था, और जिसको सीरियलाइज्ड किया गया था इन बंगाल मैगजीन फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 1878 के अंदर, मतलब कि इनकी डेथ के बाद में, पोस्ट थॉमस मतलब कि मरने के बाद में इसको सीरियलाइज्ड किया गया था। इस नॉवल की खास बात ये है दोस्तों, इस नॉवल को माना जाता है फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय द इंडियन वूमेन राइटर, मतलब कि पहला नॉवल जिसको इंडियन वूमेन ने लिखा हो। तो इस नॉवल को याद रखना दोस्तों, खास तौर से बियंका, जिसको तोरुदत्त के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इनकी थर्ड बुक जो कि इनका सेकंड नॉवल था, जो कि फ्रेंच के अंदर लिखा गया, फ्रेंच के अंदर लिखा था इसने इन्होंने, और इसका नेम था ल जर्नल डी मोडेले मोडे मसोले डे आवर्स, जो कि पेरिस के अंदर पब्लिश हुआ था मरने के बाद में 1879 में, क्योंकि 1877 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। 2 साल बाद इस वर्क को पब्लिश करवाया गया, इस नॉवल को। इस नॉवल की खास बात ये है दोस्तों कि ये नॉवल फर्स्ट नॉवल इन फ्रेंच बाय एन इंडियन राइटर, इंडियन राइटर के द्वारा पहला नॉवल जो फ्रेंच के अंदर लिखा गया हो। क्वेश्चन इम्पोर्टेंस ये बन सकता है कि फर्स्ट फ्रेंच नॉवल लिखने वाली इंडियन राइटर तोरुदत्त। दोस्तों अब मैं जिस वर्क की बात करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट वर्क शुरुआत के अंदर बताए थे वो सारे के सारे इस बुक के अंदर हैं, और इस बुक का नेम है एनशाइंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसको तोरुदत्त की डेथ के बाद में 5 साल बाद में पब्लिश करवाया गया था 1882 में। इसके अंदर इनके फेमस वर्क वैसे मैंने शुरुआत के अंदर बताए थे, ए सी ऑफ फालिस्का, द लॉटस, सीता एंड आवर कैजुरीना ट्री। आवर कैजुरीना ट्री इज द पार्टिकुलर इज ऑफ्टन टॉट इन द हाई स्कूल इन इंडियन एज पार्ट ऑफ इंग्लिश करिकुलम। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि लॉटस तो आपको 10th क्लास में मिल जाएगी पोएम इनकी RBSE राजस्थान बोर्ड के अंदर, और आवर कैजुरीना ट्री एम ए इंग्लिश के अंदर, मैं खुद इसको भी अभी पढ़ा है, एम ए इंग्लिश के अंदर है ये। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है भी, ये पूछ लेते हैं कि द लॉटस, सीता, आवर कैजुरीना ट्री ये किस बुक के अंदर पब्लिश हुए थे, और या फिर ये पूछ लेते हैं कि एनशाइंट बैलेड्स ऑफ लेजेंड्स हिंदुस्तान ये कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। और रही बात दोस्तों द लॉटस और आवर कैजुरीना ट्री की, इनकी लाइन बाई लाइन समरी आपको इसी चैनल पे बहुत ही जल्द मिल जाएगी। मैं बहुत ही जल्द इन पोइम्स को अच्छे से लाइन बाई लाइन्स और जितने भी इम्पोर्टेंट्स और हार्ड वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो
तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखना। दोस्तों तुरुदत्त का लास्ट वर्क बताने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आपको अब तक ये कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और दोबारा से फिर कह रहा हूँ भाई, चैनल भाई अब अगर लगे भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, ईजी वे से आपको ये बायोग्राफी समझ में आ गई, तो भाई लाइक आप पे डिपेंड करता है यार, मैं तो कुछ कहूँगा ही नहीं। क्योंकि लिटरेचर पढ़ने वालों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके लिए कौन सा चैनल इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। खैर छोड़िए, चलो बात करते हैं इनके लास्ट वर्क की। तो लास्ट वर्क दोस्तों, तुरुदत्त ने कुछ लेटर्स लिखे थे, लेटर्स जिनको पब्लिश करवाया गया था 1921 के अंदर। उनको नेम रखा गया था लाइफ और लेटर ऑफ तुरुदत्त, और इनको पब्लिश किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। इनको एडिटेड किया गया था हरिहर दास के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई जो तुरुदत्त के लेटर्स थे उनको पब्लिश किसके द्वारा किया गया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और एडिट किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर दास। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, फील नेचर एंड रीड लिटरेचर।